मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हृदय गति रुकने, पुरानी बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये बहुत स्वाभाविक है। हालांकि कई बार ये दुर्भाग्यपूर्ण भी होता है। हालांकि किसी भी माता पिता को कभी भी अपने बच्चे को दफनाना या दाह संस्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सबसे क्रूर त्रासदियों में से एक है। ऐसा लगता है कि मशहूर हस्तियां अमीर हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे ये नहीं खरीद सकते। हालांकि कोई भी अपने बच्चों को कभी फिर से जीवित नहीं कर सकता है, यह हमेशा भगवान का फैसला होता है। ये बहुत कठिन स्थिति है। ऐसी कई हस्तियां को कम उम्र में अपने बच्चों को खोने का दुखद दुख झेलना पड़ा है। ये हस्तियों ने दुखद रूप से बच्चों को खोया है। गोविंदा बेहद प्यारे और कैरिज्मेटिक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रशंसक द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। वह टीना और यशवर्धन के पिता है। हालांकि गोविंदा को सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उन्होंने अपनी 4 महीने की बच्ची को खो दिया। समय से पहले पैदा होने और कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने के कारण बच्ची की मृत्यु हो गई। बेहद दुखद। गायक जगजीत सिंह और चित्रा का 20 वर्षीय बेटा एक भयानक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। जिस बच्चे का उन्होंने सपना देखा कि वह बड़ा होकर सुखी परिवार का हिस्सा बनेगा, उसकी जान चली गई। दोनों तबाह हो गए। वे गमगीन थे। अपने बेटे की मृत्यु के कारण गायकों ने गायन से विराम ले लिया। जगजीत सिंह 1 साल बाद लौटे, केवल अपने संगीत के माध्यम से अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए। एक साल बाद भी चित्रा ने गायन से अपना ब्रेक जारी रखा। 2009 में असफल शादी के बाद चित्रा की पहली शादी की बेटी ने भी आत्महत्या कर ली। उनके बेटे की मौत और बाद में उनकी बेटी की आत्महत्या ने दोनों को पूरी तरह से तोड़ दिया। कबीर बेदी अब तक 4 शादियां कर चुके हैं। और वह वर्तमान में 2 बच्चों के पिता है। वह शुरू में 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन तीसरे बच्चे का निधन हो गया। तीसरा बच्चा सिद्धार्थ था। उसे मानसिक दिव्यांगता और स्क्रीजोफेनिया का पता चला था। इलाज के बावजूद वह ठीक नहीं हो सका। 26 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तमाम इलाज के बावजूद बेदी ने अपने बेटे को खो दिया और वह बहुत दुखी हो गए। शेखर सुमन ने 1983 में अलका सुमन से शादी की। वे एक अभिनेता, निर्माता, गायक और एंकर है। शेखर सुमन 2 बेटों के पिता बने, आयुष और अध्ययन सुमन। जबकि अध्ययन सुमन को फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में देखा गया था, उनके बड़े बेटे आयुष ने महज 11 साल की उम्र में दिल की बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने परिवार के 4th सदस्य को खोने से परिवार बहुत दुखी हो गया। ये थे कई तरीके जिससे हस्तियों ने अपने बच्चों को खोया।
ये अभिनेता स्क्रीन पर ऐसा खुश और हंसमुख चेहरा पेश करते हैं जैसे कि सब ठीक है, जबकि वास्तव में वे इसी दुखद त्रासदियों से पीड़ित हैं। उनके सभी बच्चों को शांति मिले।